हाय गाइस, देखो हम छात्र भोजनालय जिसे हम बॉयज डाइनिंग हॉल कह सकते हैं, यहाँ पर आज इस वक्त में हम वेनसडे को लंच टाइम में खाने को क्या मिलता है इसकी जानकारी हम देखने वाले हैं। तो चलो मेस में जाते हैं। तुरंत ही यहाँ पर बच्चे आने वाले हैं लंच को। यहाँ पर हमारे पर्रिकर सर, सचिन चेदे सर और पीछे पवार सर भी आए हैं। चलो धीरे धीरे यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं। आ गया, सब खाना खाने बच गए। गाइस देखो यहाँ पर हम काउंटर पर आ गए हैं मेस में। तो मेस पर यहाँ हम पूछने वाले हैं कि आज वेनसडे का लंच में मेनू क्या रहने वाला है। तो देवरे सर यहाँ पर पत्तर गोभी की सब्जी, मट्ठा, चावल। बहुत बढ़िया, मतलब सर इतने अनुभवी है कि लगभग मेनू उनके पार्ट रहता है, कौन से समय में कौन सा मेनू रहता है ये लगता है। हमारा मेनू फिक्स रहता है हफ्ते का। यस सर, उसके हिसाब से होता है। अगर कोई मेनू का हमें चेंज हुआ तो चेंज होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। देखो यहाँ पर बच्चे लाइन में खड़े हैं, ये लंबे कतार यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर सीनियर का काउंटर रहता है और उस साइड में जूनियर का काउंटर रहता है। चलो जूनियर का काउंटर पर देखते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है। तो देखो यहाँ पर जूनियर का काउंटर है, जूनियर के हाउस मास्टर भी यहाँ पर खड़े रहते हैं। ये हमारे तलनेकर सर हैं, बहुत ही रेगुलर यहाँ पर मेस में आते हैं, बच्चों का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। सर आज वेनसडे लंच के बारे में हमने ये व्लॉग बनाया है, इस व्लॉग के जरिए पेरेंट्स को और हमारे व्यूअर्स को पता चलने वाला है कि नवोदय में हर एक अलग अलग डे में अलग अलग लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में अलग अलग खाना मिलता है। ये जानकारी मिलने के लिए इस व्लॉग हमने यह तैयार किया है। बच्चे कतार में खड़े हैं, देखो यहाँ पर लंबे इतने कतार। देखो यहाँ पर बच्चे सिग्नेचर भी करते हैं, देखो कैसे साइन करते हैं। अटेंडेंस लिख रहा हूँ बच्चों का। वेरी गुड सर, ये क्यों लिखते हैं सर? ये मतलब बच्चा हर कोई भोजन करने आया या नहीं, कोई बच्चा मिसिंग तो नहीं है, और हर बच्चे का यहाँ पे प्रॉपर रजिस्टर में साइन होता है। अगर कोई बच्चा समय से साइन नहीं करता है तो बच्चा है कहाँ, वो पकड़ में आ जाता है। मतलब बच्चा कैंपस में है या नहीं, उन्होंने खाना किया नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन इस अटेंडेंस से चलती है। हाँ, और वो उसने खाना खाया या नहीं वो पकड़ में आ जाता है, अगर वो खाना खाए बिना। थैंक यू सो मच, हमारे पेरेंट्स को बहुत ही अच्छी आपसे जानकारी मिली है सर। यस ओके, थैंक यू सर। जय नवोदय। जय नवोदय। देखो यहाँ पर ओम पाटिल मेनू आपको बताने वाला है। हाँ ओम पाटिल, खाने के बारे में आज वेनसडे लंच है, इसके बारे में मेनू के बारे में बताओ। आज मेनू में गोभी और बटाटे की
सब्जी है, उसके साथ दाल चावल है और रोटी अच्छी बनती है अभी और मसाले छाछ है उसके साथ में। वेरी गुड, मतलब खाना खाने के लिए कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, पसंद आता है खाना? हाँ। मतलब पेरेंट्स को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ बच्चे अभी भी लाइन में खड़े हुए दिखाइए। तो देखिए यहाँ पर तो गाइस मिलते हैं आज शाम को रात 8 बजे डिनर के लिए। वेनसडे डिनर को खाने के लिए क्या मिलता है उसकी भी जानकारी हम उस ब्लॉग में देखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना।